नमस्कार दोस्तों, अपने थोड़ा सा एक बचा था समास, अव्ययीभाव। समास से पहले आपको अव्ययीभाव, समास से पहले उपसर्ग आने जरूरी है, तो थोड़ा सा उपसर्ग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो, उपसर्ग में अगर आपको संधि आती है तो उपसर्ग आते हैं, वरना आपको उपसर्ग नहीं आते। संधि और उपसर्ग में क्या भेद है, बस वही बताऊंगा मैं। देखो, अभी आप इतना पढ़ के आए, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, बाद में प्रत्यय होते हैं, वो सब समझते हो। जैसे हार शब्द है, हार से पहले एक उपसर्ग लगाओ, आ बन गया आहार। हार से पहले एक उपसर्ग लगाओ, प्रति, बन गया प्रतिहार। यानी शब्द का यहां हार का कुछ और अर्थ है, प्रतिहार का कुछ और अर्थ है, यानी बार बार अर्थ बदल जाता है अगर आप उपसर्ग लगाते हो। चलो छोड़ो, हमें उपसर्ग पढ़ने हैं। मैं देखो, मूल उपसर्ग कौन से हैं और उनमें से संधि में क्या अंतर है वो समझाता हूं। देखो, आ, आव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, परती, परी। ऐसे के ऐसे याद करना है आपको, लिख के याद करना है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। नंबर एक बात, सब उपसर्गों के अंतर मात्राएं छोटी आएगी। देखो क्यों जरूरी है, जैसे उसने शब्द दिया आपको अतीत, वो पूछेगा अतीत में कौन सा उपसर्ग है, वो एक बार अति बड़ा लिखेगा, एक बार छोटा लिखेगा। अब जिसको नहीं पता, वो देखा यहां अति बड़ा है, बड़े वाला हो गया। नहीं, देखो सब उपसर्गों में मात्राएं छोटी आएगी, तो आप लिख लिख के याद करना। और कौन सी चीज ध्यान रखनी, पहली तो आप इसको दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएंगे। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, परति, परी। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, परति, परी। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, परति, परी। बस क्या चीज ध्यान रखनी है, कहां अंतर होता है उसमें। जैसे मैंने आपको यहां, जैसे कौन सा लू मैं, एक दुस ले लेता हूं। लिख के याद करना क्यों जरूरी है, आप ध्यान रखो कि दुस उपसर्ग होता है सह में, ये सह होता है दुस में, क्योंकि वो आपको एक शब्द देगा दुशासन। वो पूछेगा दुशासन में कौन सा उपसर्ग है। देखो ऑप्शन, नंबर पहला ऑप्शन बनाएगा दू, दूसरा ऑप्शन बनाएगा दुहू विसर्ग लगा के, तीसरा ऑप्शन बनाएगा दू और यही सह लिख देगा जो यहां लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन बनाएगा दुस। अब आपको पता है कि दुस ये होता है, कुछ बच्चे तो दू करके आ जाएंगे। संधि और उपसर्ग में का अंतर है, इसमें संधि विच्छेद होगा, आपको बताया सह कंटिन्यू है, एक विसर्ग होता है संधि के अंदर, दुहु प्लस आसन। तो कुछ बच्चे संधि के आधार पर इसको ये करके आ जाए, ये तो संधि है। उपसर्ग देखो, मैंने इतने उपसर्ग बताए, इसमें कहीं दू वाला उपसर्ग बताया क्या, इसका मतलब दू नहीं होता, दुस होता है। सह भी कौन सा, भले यहां ये सह दे, ये सह वाला उपसर्ग होता है दुस। यानी उपसर्ग और इसमें क्या अंतर है, ये गौर करने वाली चीज है। यहां दुस उपसर्ग है ना कि दू, दू तो संधि विच्छेद है। संधि और उपसर्ग में बस इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर आता है और कहीं नहीं आता। और देखो, जैसे उसने आपको शब्द दिया दुश्चरित्र, दुश्चरित्र, वही ऑप्शन होंगे उसके, पहला दू देगा, दूसरा दुह देगा, तीसरा दुस यही सह दे देगा, और चौथा दुस ये। अब लिख के याद किया तो आपको पता है कि कौन सा उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग नहीं होता, ये संधि है, इसका मतलब ये है, कोई समस्या नहीं है। और देखो, जैसे उसने शब्द दिया निःशुल्क दे दिया, निःशुल्क, पूछेगा आपसे उपसर्ग बताओ, पहला ऑप्शन वो सीधा नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा विसर्ग लगाकर, तीसरा सीधा वो निस लिख देगा और चौथे में ये से लिख देगा। अब देखो कौन सा है, लिख के याद किया है तो पता है कि ये से वाला विसर्ग होता है,
अगर विसर्ग है तो ये है, निस है ना कि नी, नी ही तो संधि विच्छेद इसका होगा, नी ही धन शुल्क, जबकि विसर्ग इसमें निस है। यही चीज गौर करने वाली होती है संधि और उपसर्गों में। देखो एक बार आपने रट लिया, अब एक एक दो दो इसको देखते हैं किस तरीके से, क्या पूछने का क्या तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे उपसर्ग पूछे तो आप मूल शब्द देखो, मूल शब्द निकाल के ही ध्यान करो कि उपसर्ग है कि नहीं। मूल शब्द मेन चीज होती है। जैसे आपको शब्द दिया अनार, अब वो पूछ लेगा इसमें उपसर्ग है या नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं एर नार, नार कोई अर्थ नहीं निकला, ये एक शब्द ही है, उपसर्ग नहीं है इसमें। मूल शब्द भी कुछ ना कुछ बचना चाहिए। जैसे पिछली बार ऐसा ही में आया, वो पिछली बार आया था अप्रत्याशित, अप्रत्याशित उसने पूछा, ऐसा ही 2011 में आया था। अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, 90% बच्चों का गलत हुआ था ये। चलो इसमें निकालते हैं, हम मूल शब्द निकालते, कई बार शब्द पूछ लेता है वो। पहले निकला ए, पीछे बचा प्रत्याशित, निकाल दिया प्रत्याशित, तो फिर एक उपसर्ग है वही निकाल दो। अब देखो मूल शब्द निकालना क्यों जरूरी है, वो पूछेगा प्रत्याशित में कौन सा, बच्चे ये प्रे बाहर निकाल लेते हैं, बोल जी प्रे उपसर्ग है, क्यों उपसर्ग तो है प्रे, लेकिन आप पीछे मूल शब्द ध्यान करो कि मूल शब्द सही बच रहा है कि नहीं। त्यासित शब्द बचा, त्यासित कोई शब्द नहीं, और भी आएंगे उदाहरण ऐसे बताऊंगा। मूल शब्द हमेशा ध्यान करो, कोई ना कोई शब्द के उपसर्ग जुड़ेगा, यानी यहां उपसर्ग है प्रति, पीछे शब्द बचा आसित। लगभग 90% बच्चे इसमें करके आए थे मूल शब्द आसित है, लेकिन यहां आसित मूल शब्द नहीं, इसमें एक प्रत्यय और जुड़ा, वो बाहर निकालोगे तभी मूल शब्द मिलेगा आपको। यहां मूल शब्द है आशा, आशा प्लस इत हो गया आसित, मूल शब्द आशा है ना कि आसित। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऐसा ही 2011 का। चलो मिटाते हैं। अब देखो हम नॉर्मल एक एक दो दो उदाहरण देता हूं, आप निकालोगे, निकालते जाओगे आराम से सोल्व हो जाएंगे। भी मैं कोई आपको पूर्ण रूप से नहीं बता रहा, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक है ये, आराम से आपके समझ में आएंगे। अब आप किताब पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे, भी अंतर क्या है वो बताए, ये बस रटनी है आपको। आ उपसर्ग में कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा, आ जन्म है, आमरण है, जैसे आ जन्म है सीधा शब्द बाहर आएगा, आ शब्द बाहर आ गया, पीछे मूल शब्द बच गया। औ, औ में कोई समस्या नहीं है, जैसे अवगुण है सीधा शब्द बाहर आएगा। उप में भी कोई समस्या नहीं, जैसे उपवन सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा। एक शब्द है जैसे उपन्यास, पूछ लिया कि उपन्यास में मूल शब्द क्या है, तो बच्चे ने सोच लिया कि न्यास मूल शब्द है, न्यास नहीं है, न्यास में फिर एक उपसर्ग है, एक शब्द के अंदर दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। यहां देखो उप निकालने के बाद न्यास बचा, न्यास में फिर एक उपसर्ग है नी, मूल शब्द यहां है आस ना कि न्यास। हमेशा मूल शब्द पे ध्यान दो कि मूल शब्द क्या है, उसमें कोई ना कोई शब्द के उपसर्ग जरूर जुड़ा हुआ होगा। देखो एक मिनट, इसके सॉरी, अप में कोई समस्या नहीं होगी, सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा, अपमान है सीधा शब्द बाहर आ जाएगा, पीछे जो शब्द बचेगा वो हो जाएगा अप शब्द है। अपी, अपी में कोई समस्या नहीं, सीधा शब्द बाहर आएगा, कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगी, अपी धान है, जैसे धान मूल शब्द और अपी हो गया उपसर्ग। अभी, अभी में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यण संधि के नियम से भी कई बार हो जाता है, जैसे अभ्यास। अब उसने पूछा अभ्यास में कौन सा, कई बच्चे ए करके आ जाते, अरे पीछे शब्द देखो, सही शब्द बच रहा है तो ही होगा, ए प्लस भ्यास, भ्यास क्या है, अभी उपसर्ग है इसमें, यण संधि का नियम लगेगा, अभी प्लस आस, यण संधि वाले जितने भी हैं वो सीधे निकलेंगे, बस विसर्ग में गड़बड़ होती है। अब देखो आगे क्या है, अति, अति में कोई समस्या नहीं, अति प्रिय अत्यधिक, जैसे अत्यधिक है यण संधि से आ जाएगा, अति प्लस अधिक। इसके बाद में आ गया अति के बाद में अधि, सीधा शब्द बाहर आएगा, यण संधि के नियम से भी आ जाएगा, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, ऊपर बैठने वाला। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि वो जैसे पूछ लेता है अधि उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो, अध्यक्ष, कि वैसे तो पता नहीं होता, सबका याद नहीं रहता कि अव का क्या अर्थ है, उप का क्या अर्थ है, तो उसका प्रयोग करो। जैसे उप का पूछा तो आप प्रयोग करो कहीं, जैसे उपसरपंच, यानी सरपंच के नजदीक वाला, इसका मतलब नजदीक के लिए उपाता है। वैसे अध्यक्ष तो आप शब्द प्रयोग करो, अधि उपसर्ग वाला, अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष यानी ऊपर,
तो ये थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं, नहीं कम ही पूछते हैं भी इनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि एक उपसर्ग के दो दो तीन तीन अर्थ भी हो जाते हैं। इसके बाद है अनु, कोई समस्या नहीं, सीधा शब्द बार आएगा, जैसे अनुज है, अनुकरण है। सम में कोई समस्या नहीं, बिंदी वाला होगा, जैसे सम्मान है, संसार है। सु भी सीधा सीधा बाहर आएगा, सुयोग, सुगम, सीधे। नी, निषेध, निवारण, सीधा बाहर आएगा। वी में कोई समस्या नहीं है, जैसे विशेष वगैरह, सीधा विदेश है, सीधा बाहर आएगा। निर, नी और निर का एक तो ध्यान रखना, कहां नी होगा कहां निर होगा, जैसे शब्द दिया उसने निर्बल, आप नी भी करके आ जाओ, मान लो आप ये नी करके आ गए निर्बल में, तो आप पीछे मूल शब्द देखो क्या बच रहा है, रब्बल बच गया, तो बल के लगा है ये, बल के लगा है, इसका मतलब रे भी इधर आएगा, इसमें होगा निर प्लस बल। अब जैसे उसने आपको शब्द दिया निर्बल में कौन सा उपसर्ग है, वही ऑप्शन उसके फिक्स, पहली बार नी देगा, दूसरी बार नी देगा, तीसरी बार निर देगा, चौथी बार कुछ और बना दिया। अब आपको पता है कि मैंने बता दिया इनमें नहीं है उपसर्ग वाला विसर्ग वाला, तो इसका मतलब इसमें निर उपसर्ग होता है, नी तो होता ही नहीं, बस उपसर्ग संधि विच्छेद इसका होगा नहीं प्लस बल। तो ये थोड़ा सा अंतर है संधि और उपसर्ग में, और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद दुर है, दुर में कोई समस्या नहीं है, सीधा आ जाएगा, दुर्गुण हो गया, जैसे सीधा बाहर आएगा, वो संधि वाला मत करना, संधि होगा दु धन गुण और उस हिसाब से। दुष का बताई दिए उदाहरण। प्रे में कोई समस्या नहीं, प्रहार सीधा बाहर आएगा, परा पराजय पराभव सीधा बाहर आएगा, प्रति प्रतिवर्ष वगैरह सीधा बाहर, पर्यावरण कई बार पर्यावरण, परि से पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो इसमें कई बार यण संधि का नियम, यानी यण संधि वाले जो है ना उपसर्ग, वो तो सीधे यण संधि के नियम से बाहर आ जाएंगे, लेकिन विसर्ग संधि वाला ध्यान कर लेना, ये अंतर होता है विसर्ग संधि और उपसर्ग के अंदर। अब इसके बाद जस्ट आगे डाल देंगे आपका कौन सा बचाए, अबेबा, कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा एक बार आप किताब से अभ्यास करना, मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया कि भी आपकी थोड़ा सा कर्स को इस हिसाब से भी, पूरा डिटेल तो उपसर्ग भी 4-5 दिन लगते हैं पूरा डिटेल, लेकिन इतने से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बता दें कितना समझ में आया, धन्यवाद।